नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। और आज मैं आपके साथ जन्माष्टमी के लिए कुछ रेसिपीज शेयर कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। धनिया के लड्डू बनाने के लिए ये मैंने ली है 1.5 कप साबुत धनिया। धनिया को पहले अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास धनिया पाउडर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पैन में हम ये साबुत धनिया डालेंगे, गैस को रखेंगे मीडियम लो और मीडियम लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए धनिया को हम हल्का सा कलर चेंज होने तक और सौंधी सौंधी खुशबू आने तक भून लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि धनिया का कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है और इसमें से बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको एक थाली में निकाल कर थोड़ा सा इस तरह से थाली में ही फैला देंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, तो पैन में हम ये मावा डालेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मावे को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी आप देखिए मावा भून गया है अच्छे से और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और मावे को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। साबुत धनिया जो हमने भूनी थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो मिक्सर जार में हम इसको डालेंगे और ग्राइंड करके इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। साबुत धनिया को पीस कर उसका एकदम बढ़िया बारीक पाउडर बना लिया है हमने, तो इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। ये है 1.5 कप नारियल का बुरादा। इसको डालने से लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और खाने में भी ये टेस्टी लगेंगे, तो ये नारियल का बुरादा भी हम इसमें डाल लेते हैं। ये मैंने लिया है 1.5 कप पाउडर शुगर, मतलब कि चीनी को पीस कर उसका पाउडर बना लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। पहले इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, इनको भी इसमें डालेंगे। अब वापस से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब लास्ट में जो मावा भुना था हमने वो इसमें डालेंगे। मावे को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा डालने से हमें इसमें घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो लड्डुओं का स्वाद है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये लड्डू का जो मिक्सचर है वो सही से बाइंड होने लगेगा, तो लड्डू भी आसानी से बन जाएंगे। मावा भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो हम एक प्लेट ले लेते हैं लड्डुओं को रखने के लिए और देखिए जो मिक्सचर है वो सही से बाइंड हो रहा है। तो थोड़ा सा मिक्सचर हम लेंगे और दोनों हाथों से प्रेस करते हुए लड्डू बनाएंगे। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है, इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे लड्डू बनाने हैं। तो ये हो गए हमारे बेहद स्वादिष्ट धनिया के लड्डू बन करके तैयार। आप इस तरह से धनिया के लड्डू जन्माष्टमी पर बनाइए और प्यारे प्यारे कान्हा जी को इनका भोग लगाइए। मेवा पाक बनाने के लिए हम सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 कप मखाने डालेंगे, गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और इनको बीच बीच में चलाते हुए बढ़िया क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने मेवा पाक बनाने के लिए लिए हैं, उन सबको हम बिना घी के ही भून लेंगे, यानी कि ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मखाने बढ़िया भुन गए हैं, इनको चेक करने के लिए आप एक मखाने में नाखून गड़ा कर देखेंगे तो इनमें से क्रिस्पी आवाज आएगी। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1/2 कप काजू और बादाम, इनको भी हम मीडियम लो फ्लेम पर कलर चेंज होने तक भून लेंगे।
काजू और बादाम भी भुन गए हैं, तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे आधा कप अखरोट। अखरोट को बीच बीच में चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर भून लेंगे। अखरोट भी भुन गए हैं, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे आधा कप मूंगफली। इनको भी बीच बीच में चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। मूंगफलियां भुन गई हैं, अब इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब आखिरी में हम डालेंगे एक कप नारियल का बुरादा। इसको हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। नारियल का बुरादा बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए इसको लगातार चलाते रहें, वरना ये तले में लगकर जल जाएगा। नारियल के बुरादे की जगह आप सूखे नारियल के गोले को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। नारियल का बुरादा भी भुन गया है, तो इसको हम एक अलग बोल में निकाल लेंगे। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ठंडा होने देंगे और मूंगफली का छिलका निकाल लेंगे। मूंगफली अभी हल्की गुनगुनी है, तो दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर हम इसका छिलका निकाल लेते हैं। जब मूंगफली हल्की गुनगुनी हो तभी इसका छिलका निकाल लें। सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं और मूंगफली का छिलका हमने निकाल लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और नारियल के बुरादे को छोड़कर सारे ड्राई फ्रूट और मूंगफली को इसमें डाल देंगे। अब इनको हम दरदरा पीस लेंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट और मूंगफली को दरदरा पीस लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 कप चीनी डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे। गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसको बीच बीच में चलाते हुए चीनी को पूरा मेल्ट होने देंगे। चीनी पूरी मेल्ट हो गई है और इसमें उबाल आने लगा है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए इससे एक तार की चाशनी बना लेंगे। चाशनी बन गई है, तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इससे तार छूट रहा है, मतलब कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमने जो ड्राई फ्रूट्स पीस कर रखे हैं उनको हम चाशनी में डालेंगे। नारियल का जो बुरादा हमने भून कर रखा है उसको भी हम इसमें डालेंगे। 250 ग्राम मावा डालेंगे। अब सारी चीजों को हम चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मेवा पाक का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। ये हमने एक टिन लिया है जिसको कि हमने घी से ग्रीस करके ऊपर से बटर पेपर लगा दिया है। अब इसमें हम ये पूरा मिक्सचर डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को स्पून से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसको 3 से 4 बार टैप कर लेंगे तो ये मिक्सचर बढ़िया से लेवल हो जाएगा। अब हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि हमारा मेवा पाक बढ़िया सेट हो जाए। अगर आप इसे जल्दी सेट करना चाहते हैं तो आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, तो भी ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। हमारा मेवा पाक बढ़िया से सेट हो गया है, तो अब हम इसको कट करके इसके पीसेस निकाल लेंगे। क्योंकि हमने इसमें मावा डाला हुआ है तो आप इसको फ्रिज में रखकर आराम से महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप इस जन्माष्टमी पर इस मेवा पाक की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कृष्णा को भोग लगाइए। धनिया की बर्फी बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है 3/4 कप धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पर साबुत धनिया को ड्राई रोस्ट करके और पीस कर लिया है। 1 कप नारियल का बुरादा, 1 कप चीनी, 250 ग्राम मावा, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए हम इसको हल्का कलर चेंज होने तक और बढ़िया खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नारियल का बुरादा बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसलिए आप इसको बीच बीच में चलाते जरूर रहें जिससे कि ये तले में लगकर जले नहीं। अब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है और इसे बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब सेम पैन में हम चीनी डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे। गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने देंगे।
चीनी पूरी मेल्ट हो गई है और इसमें उबाल आने लगा है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए इससे एक तार की चाशनी बनाएंगे। हमारी एक तार की चाशनी बन गई है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इससे तार छूट रहा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, जो नारियल का पराठा हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था वो इसमें डालेंगे। हमने जो मावा लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। आखिर में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। सारी चीजों को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गई है और धनिया की बर्फी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। बर्फी को सेट करने के लिए हमने ये एक टिन लिया है, जिसको कि हमने घी से ग्रीस कर ऊपर से बटर पेपर लगा दिया है। अब हम बर्फी के पूरे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। बर्फी के मिक्सचर को हम टिन में अच्छे से स्प्रेड कर बढ़िया से लेवल कर लेंगे। ये मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं बारीक काटकर, इनसे बर्फी को गार्निश करेंगे। स्पून से हल्का हल्का इनको प्रेस करेंगे तो ये इसी में अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप बर्फी को जल्दी सेट करना चाहते हैं तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, तो भी ये 1 घंटे में बढ़िया सेट हो जाएगी। बर्फी अच्छे से सेट हो गई है तो अब हम इसको कट करके इसके पीसेस निकाल लेंगे। आप अपने मनचाहे शेप में बर्फी को काट सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पीस बर्फी का निकला है। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट धनिया की बर्फी तैयार है। आप इसे 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रखकर आराम से स्टोर कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर आप इसे जरूर बनाइए और कृष्ण भगवान को भोग लगाइए। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 1.5 कप मूंगफली डालेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली जब रोस्ट हो जाएगी तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए आप इनको बीच बीच में चलाते हुए ही ड्राई रोस्ट करें, जिससे कि ये जले नहीं। मूंगफली बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो गई है और आप देख सकते हैं कि इन पर हल्के हल्के ब्राउन चित्ते आ गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इनको एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम इन ड्राई रोस्ट की हुई मूंगफलियों को थोड़ा ठंडा होने देंगे। मूंगफलियाँ थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब हम इनको दोनों हाथों से रगड़कर इनका छिलका निकाल लेंगे। जब मूंगफलियाँ हल्की गुनगुनी हो तभी इनका छिलका निकाल लें। अगर मूंगफली पूरी ठंडी हो जाएंगी तो इनका छिलका नहीं निकलेगा। मूंगफलियों का हमने पूरा छिलका निकाल लिया है। अब हम इनको मिक्सर जार में डालेंगे। 12 काजू और 10 से 12 बादाम डालेंगे। अब इनको हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली और काजू बादाम को हमने हल्का दरदरा पीस लिया है तो अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से मीठा आपको पसंद हो। अब चीनी को इसमें हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ मखाना, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल 2 टेबलस्पून, चिरौंजी 2 टेबलस्पून, किशमिश 2 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ काजू 1 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ बादाम 1 टेबलस्पून, आखिरी में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। वापस से सारी चीजों को हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और घी डालने से ये पंजीरी खाने में और भी ज्यादा बढ़िया लगेगी। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं
और हमारी मूंगफली की बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट पंजीरी तैयार है। आप इसे व्रत में बड़ी आसानी से बनाकर खा सकते हैं और कृष्ण भगवान को भी इसका भोग लगा सकते हैं। और फ्रिज में रखकर आप इसे बड़े आराम से 20 से 25 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इस सिंपल और टेस्टी मूंगफली की पंजीरी की रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।